नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज में, हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन सुल्तानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 7 में स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान में वृक्षारोपण किया। इसके पश्चात शासकीय चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरण किया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय किशोर जी रामानी ने संबोधित किया एवं शिवराज सिंह चौहान को अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया एवं योजना की जानकारी से अवगत कराया गया। सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लंबी उम्र की कामना की एवं सभी ने शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण आडवाणी, कन्हैयालाल जी गौर, नीतू जी जैन, धर्मराज जी विश्वकर्मा, विनोद जी सोनी, ब्रजमोहन जी साहू, राजू अरोरा, बबलू शर्मा, मयंक जैन, कन्हैयालाल जी रेखवार एवं कई कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। परिवार में एक छोटे किसान परिवार में वो पैदा हुए थे और उन्होंने मेहनत और लगन के साथ काम किया, गरीबों की मदद की और आज वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की कमान वो पिछले 15 साल से अधिक समय से संभाल रहे हैं एवं हमारे प्रदेश की जनता का, हमारे प्रदेश का विकास कर रहे हैं। आज हम यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़े हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारी केंद्र की सरकार द्वारा आयुष्मान योजना लागू की गई है, जिसके तहत 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी द्वारा जननी योजना लागू की गई है, जिसमें महिलाओं के को 16,000 रुपए तक राशि दी जाती है। लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई है, गरीबों को राशन दिया जा रहा है। महिलाओं को कहते हैं घर के लिए उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए देकर मकान बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। इस तरह के अनेक काम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, शिवराज जी का जन्मदिन है। हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश चौमुखी विकास करे और आगे तरक्की करे, यही कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।